वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो भाई आ चुका है आप लोगों के लिए R15 V4 का वीडियो। तो काफ़ी डिमांड आ रही थी भाई इस बाइक के बारे में कि R15 का वीडियो लेकर के आओ, तो आज अपन बात करने वाले हैं R15 V4 के बारे में। बहुत ही जल्दी आप लोगों को एक वीडियो आने वाला है MT15 का भी। तीनों ही कलर ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है और बहुत ही जल्दी ब्लैक वाला भी अवेलेबल होने वाला है, तो वो आप लोगों को उस वाले वीडियो में मिल जाएगा। अभी अपने पास R15 के दो कलर अपने पास अवेलेबल हैं, एक है ब्लू, और ब्लू वाला ना भाई ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है, स्पेशली ये जो मैट वाला फिनिश है ना, तो इसमें भी शेड में दोनों में डिफरेंस आने वाला है। ये है अपनी रेड वाला कलर, और ये कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पेशली जो रेड और ब्लैक का टच है, और थोड़ा बहुत हाईलाइट आप लोगों को ना यहाँ पर नियॉन का भी मिलने वाला है। तो पूरी डिटेल आप लोगों को इस वाले वीडियो में मिलने वाली है विद अपना एग्जॉस्ट साउंड और आपका ऑन रोड प्राइस। तो पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें, अगर अपन फ्रंट से तो फ्रंट कुछ अपना ऐसा है, LED में ही DRL रहने वाला है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप रहने वाला है LED में, तो काफ़ी अच्छा थ्रोस का भी रहने वाला है। ऊपर अगर अपन देखें तो यहाँ पर इस टाइप से एक अपने को विंडस्क्रीन मिल जाती है, सेमी डार्क, मतलब कि बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है और बिल्कुल एकदम ना क्लियर भी है नहीं होने वाला। और इस बाइक की, खासकर R15 की और MT15 की, जितनी एसेसरीज आफ्टर मार्केट में अवेलेबल है ना, काफ़ी अच्छी इंपोर्टेड एसेसरीज भी आप लोग इसकी ना ले सकते हो, एग्जॉस्ट भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है, प्लस जो विंडस्क्रीन वाला ऑप्शन है ना, ये भी आप लोगों को काफ़ी सारे मिल जाते हैं, मतलब बबल, सिंगल बबल, डबल बबल, और अपना जो एक रेम्बो वाला पूरा थीम आता है ना, वो वाला भी आप लोगों को उसमें मिलने वाला है। और प्लस जो रियर व्यू मिरर है, ये अपने को बाइक के साथ कुछ ऐसे मिलते हैं, पर इसका भी काफ़ी सारा ऑप्शन आप लोगों को आफ्टर मार्केट में मिल जाता है। ये भाई बाइक का साइड प्रोफाइल, और काफ़ी एक जो लुक आ रहा है ना, मतलब आप लोगों को काफ़ी अच्छा यहाँ पर ना लुक मिलने वाले हैं प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। यहाँ पर फ्रंट में भी आप लोगों को ना नियॉन का टच मिलने वाला है R15, और इस टाइप से एक ब्लैक वाला पार्ट यहाँ भी है। ये रहा भाई अपना प्रोजेक्टर, तो काफ़ी अच्छा आप लोगों को इसका सेटअप मिलने वाला है। और जब एक DRL ऑन होने के बाद ना, ये वाला लुक चेक करो, क्या लुक निकल के बढ़िया इसका ना आप लोगों को सारा सेटअप रहने वाला है। हैलोजन में ही इंडिकेटर का सेटअप रहने वाला है। ये रहा अपना रेडिएटर वाला पार्ट, और ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा, मतलब एक बिल्कुल छोटा नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा इसका भी आप लोगों को साइज़ लगने वाला है। इस टाइप का अपना अलॉयज का शेप है, ग्लॉसी ब्लैक में ये रहने वाला है। MRF का टायर है, पर ये हो सकता है लॉट टू लॉट डिपेंड करे, कुछ और भी आप लोगों को ये मिल सकता है। ड्यूल चैनल ABS अपने को बाइक में मिल जाता है। टायर का पैटर्न अपना कुछ ऐसा है फ्रंट का, और जो साइज़ है, ग्रेडिंग है ना, ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, स्पेशली रियर वाले की। ये रहा भाई अपना 282mm का फ्रंट में डिस्क, तो काफ़ी अच्छा इसका भी साइज़ अपने को लगने वाला है। बाइब्री की ब्रेकिंग है फ्रंट में, रियर में कुछ और है, अभी रियर वाला भी आप लोगों को दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा सेटअप इसमें ना ब्रेकिंग का रहने वाला है, क्योंकि बाइक का पावर के अकॉर्डिंग आप लोगों को ब्रेकिंग भी उतनी ही अच्छी चाहिए होती है। फ्रंट टायर की ग्रेडिंग देखें तो ये है 17 इंच का फ्रंट टायर है, और R15 वर्जन 4 का पूरा स्टिकरिंग वाला काम ना आप लोगों को दोनों ही रिम्स पे भी देखने को मिलेगा। अपसाइड डाउन सस्पेंशन सेटअप है, और ये जो गोल्डन वाला टच आ रहा है ना, स्पेशली इस कलर के साथ और ब्लू कलर के साथ भी ना, ये वाला चीज़ काफ़ी अच्छा जा रहा है। इसके अलावा जो तीसरा कलर ऑप्शन R15 V4 में अवेलेबल रहता है, वो रहता है डार्क नाइट एडिशन, मैट ब्लैक वाला, उसमें पूरा सेटअप रहता है मैट ब्लैक विद अपना एक क्रोम वाला स्टिकरिंग का काम उस पर आप लोगों को मिलने वाला है। इस टाइप का अपना टैंक का सेटअप रहने वाला है। यहाँ पर वर्किंग में एयर वेंट्स भी मिलने वाले हैं। यामा का एक लोगो आ जाता है 3D में, यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट का पूरा आप लोगों को जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है उसका एक स्टिकर अपने को यहाँ मिल जाता है, एक अपने को जो वार्निंग वगैरह डिटेल्स वगैरह रहती है वो सारा आ जाता है। ग्लॉसी ब्लैक प्लस अपना बॉडी कलर में आप लोगों को टैंक भी रहने वाला है, और जो टैंक का शेप है ना, स्पेशली ये वाला पार्ट आप लोगों को देखने में काफ़ी अच्छा लगने वाला है। टोटल 11 लीटर का यहाँ पर अपने को फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाली है। क्लिप ऑन हैंडल बार आ जाता है, और जो सिटिंग बनेगी ना बाइक की बैठने के बाद, राइडर की जो पोजीशन बनती है, वो भी आप लोगों को ना काफ़ी एक अच्छा फील गुड फैक्टर वाला आने वाला है। सीट देखें तो राइडर की जो सीट है ये आप लोगों को काफ़ी सॉफ्ट मिलेगी, पर पिलियन वाली है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा आप लोगों को हार्डर साइड पे देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर एक की होल आ जाता है सीट ओपन करने के लिए, और एक चीज़ जो काफ़ी अच्छी आप लोगों को लगेगी, ये भाई एयर वेंट्स हैं, मतलब ये वर्किंग एयर वेंट्स हैं, तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी जो है ना इस बाइक की, वो आप लोगों को काफ़ी अच्छी पूरा फील आने वाला है। VVA वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, ये आप लोगों को पूरा स्टिकरिंग वाला काम रियर फेयरिंग पे मिलने वाला है। तो साइड में ना ज़्यादा कोई स्टिकरिंग वाला काम आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। रियर लुक देखें तो बाइक का रियर कुछ ऐसा है। ये रहा अपना नंबर प्लेट का बल्ब, और ये रहने वाला है, मतलब LED भी नहीं है और ज़्यादा कोई ना पीला वाला बल्ब भी नहीं है ये, तो ये रहा इसका पूरा सेटअप। यहाँ अपनी नंबर प्लेट आनी है। टेल्ट ID में भी काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों को इसमें मिल जाते हैं। ये रहा जो मैंडेटरी पार्ट है, रिफ्लेक्टर दोनों ही साइड, टायर हगर देखें तो टायर हगर भी आप लोगों को ड्यूल में सेटअप रहने वाला है। ये आ जाता है अपना रिमूवेबल, एक आ जाता है छोटा वाला आगे। टायर की ग्रेडिंग देखें रियर की, तो टायर की ग्रेडिंग ना काफ़ी अच्छी आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। 140 सेक्शन का रियर टायर है भाई यहाँ पर, तो ये काफ़ी अच्छा है। 140 70 17, तो 17 ही फ्रंट है और 17 ही रियर आप लोगों को मिलने वाला है। इस टाइप का अपना रियर डिस्क का सेटअप रहने वाला है, और लगभग 220mm के आसपास इसका साइज मुझे फील हो रहा है। ड्यूल चैनल ABS है। फ्रंट में बाइब्री का ब्रेकिंग थी, रियर आने वाला है अपना निसिन की।
तो भाई ब्रेकिंग का सेटअप ना यहाँ पर काफ़ी अच्छा आप लोगों को फील होगा, वाइब्री निसिन विद अपना ड्यूल चैनल ABS, तो आप लोग खुद ही इमेजिन कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग टायर का पैटर्न अपना कुछ ऐसा है। तो ये भी ना काफ़ी आप लोगों को अच्छा फील आने वाला है। रियर जो ब्रेक है इसका मास्टर सिलेंडर आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है, और यहाँ पर भी निसिन की ब्रेक अपना ब्रांडिंग जो है ना आप लोगों को मिल जाएगी देखने को। तो ये भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को सेटअप है। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, यहाँ पर जनरली अगर आप देखोगे ना ज़्यादातर बाइक्स में तो ये वाला पार्ट रहता है अपना फाइबर का, पर ये ना यहाँ पर एल्यूमिनियम का है, तो इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छी आने वाली है। फुटपैक्स देखें तो राइडर वाला जो है अपना प्रॉपर स्प्रिंग वाला ही रहने वाला है, और पिलियन वाला प्रॉपर इस टाइप से एडजस्टेबल यहाँ पर सारा सेटअप रहने वाला है। ये रहा अपना रियर ब्रेक लीवर, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और एक चीज़ और जो आप लोगों को R15 में अच्छी लगने वाली है वो है भाई ऑयल फिलिंग का जो कैप है अपना, ये आप लोगों को बाहर ही मिलने वाला है। मतलब कि इसको मतलब ऑयल वगैरह चेंज करने के लिए आप लोगों को पूरा पार्ट खोलने की ज़रूरत नहीं है। इससे होता क्या है कि टाइम के साथ ये जो गैप्स हैं ये आप लोगों को ना थोड़े बढ़ते हुए नज़र आने वाले हैं अगर ये ऑयल कैप अंदर ही हो तो। वो चीज़ है, इस टाइप के अपना फ्रंट वाले इंडिकेटर रहते हैं, ये भी आप लोग ना चेंज करवा करके आफ्टर मार्केट में LED वगैरह यूज़ करवा सकते हो। तो ये हुआ भाई अपना पूरी मोटी मोटी डिटेल कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं MID सेटअप के बारे में कि क्या कुछ अपने को यहाँ पर डिटेल्स मिलने वाली है। तो दो अपने को यहाँ पर मोड्स मिलने वाले हैं, स्ट्रीट मोड और ट्रैक मोड। ये अपना आ रहा है गियर इंडिकेटर, जिस भी मोड में बाइक अभी है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। ऊपर अपनी रेव लिमिटर की लाइट आ रही है, साइड में सारी डिटेल्स अपने को मिलने वाली है, ABS की लाइट भी आ रही है, और एक यामाहा का लोगो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। RPM मीटर आ जाता है, ये रहा क्लॉक आ जाती है, टोटल स्पीड यहाँ पर, फ्यूल गेज भी अपना डिजिटल में ही आ रहा है, ट्रिप टू ये आ रहा है, ये अपना ट्रैक्शन कंट्रोल, तो जी हाँ भाई इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी अपने को मिलता है। तो भाई इसमें प्राइस के अकॉर्डिंग ना आप लोगों को मतलब एक ज़्यादा ही मिल रहा है, जितना प्राइस अपन पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही आप लोगों को मिल रहा है। काफ़ी फास्ट बाइक भी बन जाती है ये, और मतलब R15 ना जैसे हम तो खैर राइड वगैरह करते रहते हैं तो ये बाइक ना अपनी सेगमेंट से ज़्यादा की बाइकों के साथ चलने वाली बाइक है। मतलब ऐसा नहीं है कि R15 ये तो पीछे चलेगी, 150cc ये पीछे चलेगी, ऐसा नहीं है भाई, बराबर चलती है ये। इसको चेंज करने के लिए अपने को एक स्विच यहाँ पर मिल जाता है राइट साइड पे, ट्रिप और इन्फो का 2-in-1 स्विच एक अपने को यहाँ पर मिल जाता है। ट्रिप से देखें तो ट्रिप हम लोगों को क्या मिलता है, ट्रिप F आ जाता है, ये अपना आ गया ऑडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, तो ये सारा सेटअप ट्रिप वाले से रहने वाला है। अब आ जाते हैं भाई इन्फो पे, तो यह है इस बाइक का मेन खेल। अब ये अपन ने करा तो ये अपना बैटरी वोल्टेज आ जाता है, कूलेंट टेम्परेचर भी यहाँ पर शो हो रहा है। ट्रैक मोड, तो दूसरा मोड जो अपना स्ट्रीट मोड और दूसरा अपना आ गया ट्रैक मोड। अगर अपने को ट्रैक मोड पे बाइक को डालना है तो इसी स्विच को अपने को लॉन्ग प्रेस करना है, और ये अपनी आ गई बाइक अब ट्रैक मोड पे। तो यहाँ पर आप लोगों को लैप टाइमर भी मिल जाता है, लेटेस्ट लैप टाइमर भी नीचे आ रहा है, फास्टेस्ट लैप टाइमर भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेटेस्ट और फास्टेस्ट ये दोनों आप लोगों को मिल जाएंगे। अब वापस आ जाते हैं स्ट्रीट मोड पे, तो उसी को लॉन्ग प्रेस करेंगे, अपन आ गए स्ट्रीट मोड पे। ये आ गया अपना कंजप्शन पर 100 किलोमीटर और एवरेज पर 100 किलोमीटर क्या आ रहा है, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, तो ये अपना ऑन आ रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल। आप लोग इसको लॉन्ग प्रेस करके इस टाइप से इसको ऑफ भी कर सकते हो, तो ये अपना हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ। और ये अपना TCS की एक वार्निंग लाइट भी आप लोगों को यहाँ पर ब्लिंक होती हुई मिल गई, क्लिप ऑन में हैंडल बार मिल जाता है। अभी मैं आप लोगों को बैठ के भी दिखा देता हूँ कि किस टाइप का पूरा ना अपना राइडिंग पोस्चर बनता है। काफ़ी अच्छा आप लोगों को ना एक सिटिंग पोस्चर वाला फील भी यहाँ से आने वाला है। स्विचेस देख लेते हैं, तो एक 3-in-1 हाई बीम लो बीम प्लस पास वाला स्विच आप लोगों की यहाँ मिलने वाला है। ये अपना आगे इंडिकेटर का स्विच, इस टाइप का अपना हॉर्न है और काफ़ी लाउड हॉर्न आप लोगों को सुनने को मिलने वाला है। राइट साइड पर देखें तो एक 3-in-1 स्टार्टर अपने को यहाँ पर आ जाता है, किल स्विच प्लस आपका स्टार्टर, हज़ार लैम्प भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। भाई क्या कुछ नहीं है इस बाइक में ना, सब कुछ आप लोगों को काफ़ी वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है। ये रहा हज़ार ऑन होने के बाद लुक, और इसका जो पैटर्न है वो आप लोगों को चेंज चाहिए तो ये चीज़ भी आप लोग ना आफ्टर मार्केट करवा सकते हो, पर उसकी कोई नीड है नहीं क्योंकि ये भी इनफ ही रहता है। पर उसके साथ आप लोगों को और काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट और सुनते हैं कि किस टाइप का अपने को एग्जॉस्ट साउंड आने वाला है। एग्जॉस्ट के भी काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों को आफ्टर मार्केट में R15 के रहते हैं। अब करते हैं बाइक को स्टार्ट, तो अभी बाइक है कोल्ड स्टार्ट पे, थोड़ा सा नॉर्मल होने देते हैं फिर करते हैं बाइक को ना रेव। अभी आप लोग देख सकते हो 1000 RPM से ऊपर थोड़ा सा RPM जा रहा है, पर साउंड काफ़ी ना स्मूथ, और R15 का साउंड आप लोगों को पता ही है, स्पेशली जब ये फ्लाई बाय देती है ना बाइक तो काफ़ी अच्छा साउंड इसका फील आता है। अब थोड़ा सा कर लेते हैं रेव,
सो ये हुआ अपना साउंड कंप्लीट। अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की और आपकी ऑन रोड प्राइस के बारे में। सो इंजन की बात करें तो 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड SOSC 4 वाल्व इंजन अपने को यहाँ पर मिलने वाला है 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ। तो भाई ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसमें 6-स्पीड कॉम्बिनेशन आप लोगों को मिलने वाला है, मतलब कि पावर भी इनफ है और उसके साथ साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन भी अपने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो उसकी वजह से भी ये बाइक ऑन पेपर कुछ और है और ऑन रोड जब इसको लेके निकलते हैं ना तो बाइक ये कुछ और ही फील देती है। पावर की बात करें तो 18.4 BHP का पीक पावर है और 14.2 NM का यहाँ पे टॉर्क मिलने वाला है। राइडिंग मोड्स की अपन ने बात करी ली है, दो मोड मिलते हैं, स्ट्रीट और ट्रैक। टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है वो रहती है 145 km/h, पर ये बाइक ना 155 भी क्रॉस करती है ईजिली। और एक अगर किसी को गियर शिफ्टिंग का रेशो अच्छी तरह से आइडिया है, एक्सपीरियंस है, तो ये बाइक ना भाई 165 भी क्रॉस करती है ना। तो क्योंकि खूब देखी हमने भी इस बाइक को अच्छा खासा एक टॉप स्पीड अचीव करते हुए। ट्रैक्शन कंट्रोल अपने को यहाँ पर अपन ने बात करी थी, स्विचेबल मिलने वाला है। सो अब बात करें अगर अपन क्विक शिफ्टर की ना, तो क्विक शिफ्टर जो स्टैंडर्ड रखा गया है वो एक तो R15M में मिलता है और ये जो अपनी ब्लू वाली बाइक है इसमें भी आप लोगों को क्विक शिफ्टर मिलने वाला है। अगर आप लोगों को दूसरी जो जैसा कि अपनी ये रेड वाली बाइक है इसमें अगर आप लोगों को क्विक शिफ्टर इंस्टॉल करवाना है कंपनी से ही, तो उसके आप लोगों को एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लगभग 7-8,000 अराउंड आप लोगों को एक्स्ट्रा खर्चा आएगा और आप लोग ना क्विक शिफ्टर इसमें इंस्टॉल करवा सकते हो। प्राइसिंग की बात करें तो लगभग एक तो सबसे मेन रीज़न इसमें आप लोगों को कलर्स के अकॉर्डिंग ना प्राइस में डिफरेंस आने वाला है। तीनों ही कलर ऑप्शन में प्राइसिंग का डिफरेंस है, प्लस R15M में भी आप लोगों को प्राइसिंग का डिफरेंस मिलने वाला है। इस वाले कलर के ऑप्शन की अगर अपन बात करें प्राइस की, तो ये अप्रॉक्स आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है ऑन रोड जयपुर 2,25,000 के अराउंड। और आप लोगों को डिटेल शोरूम की ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग कॉल करके और सारी डिटेल ले सकते हो, प्राइसिंग की भी प्लस आपका बुकिंग स्टेटस भी और कलर की जो भी आप लोगों को अवेलेबल है या नहीं। तो ये हुआ भाई अपना वीडियो कंप्लीट। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, सारी डिटेल आप लोगों को R15 के बारे में इस वाले वीडियो में मिली चुकी है। बहुत ही जल्दी आप लोगों को MT15 का भी वीडियो आने वाला है। तो चलो करते हैं अपना ये वाला वीडियो एंड और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।